সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দিকে আমাদের নজর ছিল, তবে এই মুহূর্তে আমরা চলে যাব আমাদের প্রতিনিধি প্রদীপ কুমারের কাছে, সরাসরি প্রদীপের কাছে আমি চলে যাব। প্রদীপ, হম দেখে হম লোগোনে কি জো ইয়ে কুস্তিগিরো কা জো আন্দোলন হে ইয়াহা পে রাকেশ টিকায়ত পৌঁছে হে ওয়াহা পে, অর কৃষক মোর্চা কে জো নেতৃত্ব হে জো ওয়াহা কি জো আন্দোলন পে পৌঁছে হে, তো ওয়াহা সে ক্যা জানকারি হে? जी, आपको बता दें कि लगातार ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है जो 23 मार्च से शुरू हुआ था। पहलवान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, और आपको ये जानकारी दे दें कि पहले ये अड़े थे कि उसके खिलाफ जो ब्रिजभूषण है, कुश्ती संघ का महाध्यक्ष है, बीजेपी के जो सांसद हैं, उनके खिलाफ FIR हो, और वो कोर्ट में भी गया मामला। कोर्ट के बाद भी FIR हो गई, कोर्ट में भी सुनवाई होगी, फिर कोर्ट ने आगे सुनवाई करने से मना कर दिया था कि वह दूसरी कोर्ट का रुख करें, निचली अदालत का रुख करें। और वही लगातार अब किसान यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में। डेली टिकट जो नेता है किसानों का, उसने कहा है कि यहाँ रोज़ सुबह से लेकर शाम तक किसान आएंगे, खाप पंचायत के लोग आएंगे या प्रोटेस्ट में इन लोगों को सहयोग करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि अगर 20 मई यानी आने वाली 20 मई तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो 21 मई को ये बड़ा फैसला ले सकते हैं। और साथ साथ इन्होंने ये भी आह्वान किया इस मंच से, जो पहलवानों का जो मंच लगा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, उस मंच से ये भी आह्वान किया गया है कि आने वाली 16 तारीख को हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से खाप पंचायत के लोग लाखों की संख्या में पैदल चल के आएंगे। अगर उनको बॉर्डर पर रोका गया तो वो बॉर्डर का ही घेराव करेंगे, बॉर्डर पे ही रुक जाएंगे और बॉर्डर पे धरना प्रदर्शन इनके समर्थन में देना शुरू कर देंगे। और वहीं पर ही अपनी अगली रणनीति क्या होगी वो भी तय करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर ये भी मंथन चल रहा था कि इस प्रोटेस्ट को और कितना लंबा चलाया जाए। और ये प्रोटेस्ट में कल जो बात सामने आई है अभी, वो ये बात सामने निकल के आई है कि इस प्रोटेस्ट को अभी और चलाया जाएगा। 20 तारीख को ही फैसला होगा कि इस प्रोटेस्ट को और कितना आगे चलाया जा सके और क्या रूप देके इस प्रोटेस्ट को चलाया जाए। और वही टिकैत ने कल एक धमकी भरे लियाज में भी कहा है, जो किसानों का नेता है, उसने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली में ट्रैक्टर फिर से दौड़ेंगे। आपको बता दें कि जब किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, बॉर्डरों पे बैठ गए थे किसान लोग, और वहीं दिल्ली में भी यूपी से ट्रैक्टर की बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में पहुंची थी, और ITO पे बहुत बड़ा गदर कटा था जिसमें ट्रैक्टर चलाते हुए किसान की भी मौत हो गई थी। जी पायल जी, शुक्रिया। प्रदीप जी हमारे संगे छिले, हमारे प्रतिनिधि प्रदीप कुमार। আপনাদের আরো একবার জানিয়ে রাখি, এবার কুস্তিগীরদের সঙ্গে কৃষক মোর্চার নেতৃত্বরা